फ्रेंड्स अभी हम आए हुए हैं पिया नंबर 179 पिया नंबर 178 को चेक करने के लिए। के सामने पिया नंबर 178 है, उसके बेरिंग कैप लग रहा है अभी, इसको पाइल कैप कहते हैं। ये सामने चेकिंग चल रही है अभी, इसलिए जो चेकिंग होती है तो वो ऐसे पाइप की चेकिंग के लिए होती है ताकि वो अपनी सही जगह सही पोजीशन पे रहें। उसके लिए प्लेट होती हैं, प्लेट के अंदर होल होते हैं, उस होल में पाइप को फिक्स किया जाता है, उस हिसाब से कोऑर्डिनेट में फिक्स किया जाता है। हमारा वहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है ये पेंट के नीचे, वो कंट्रोल पॉइंट से हमने यहाँ पे अपना पीसी छोड़ लिया है ये 178 पी आई के ऊपर, और इसके थ्रू बैक साइड करके बैक साइड करके DC-8 है वहाँ पे अपन का, वहाँ पे बैक साइड करके पी आई नंबर 178 का पी आई कैप चेक कर रहे हैं। ये TS10 है, टच पॉइंट और कीबोर्ड दोनों है इसमें, दोनों काम करते हैं। एलएनटी में यार एक बार लाइका के ही प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए। ये स्टॉप है और ये ऑटो लेवल है, दोनों अपन के पास लाइका के ही हैं। स्टैंड है, ये वुडन स्टैंड में इसमें लगी हुई है। फ्रेंड्स अगर वीडियो में आपको कुछ देखने को सीखने को मिल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ। अभी हम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हैं, ये SGP प्रोडक्ट जो बन रहा है अपने यहाँ, ये मालगाड़ी की LEO फ्लाई बन रहा है। ये एक्चुअली ये पटरी के दोनों साइड बन रहा है, ये पटरी है, यहाँ मालगाड़ी का आना जाना रहता है, ये भी ना साइड का है, तो ये जो है ये सिंगरौली साइड है, सिंगरौली और बिलासपुर। अप डाउन के लिए अलग अलग ब्रिज बनेगा, अलग अलग ब्रिज बनेगा, ये इसलिए डाउन लाइन के लिए अप लाइन के लिए वो पटरी को साइड से बना है। अभी मेन केज में है, ये सामने रोशन नगर दिख रहा है आपको, इधर जाएंगे तो आगे NKG मिलेगा। इधर क्या लोग VPL तैयार ही होने वाले हैं, शेल वर्क यहाँ का कंप्लीट ही होने वाला है, इसके आगे मैकेनिकल वर्क चलेगा। नीचे वो बूम पर सका हुआ है, एक कंक्रीट को ऊपर तक पहुँचाने के लिए बूम पर का यूज किया जाता है। ठीक फ्रेंड, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।